हेलो स्टूडेंट्स, टर्निंग पॉइंट टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने अपने इफेक्टिव स्ट्रेस को कंप्लीट किया था, समझने की कोशिश की। आज हम पढ़ेंगे शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल। आप यूँ कह सकते हैं सॉइल का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, या सॉइल का जो आपका फाइनल चैप्टर है बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल, उसको समझने के लिए चैप्टर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। तो आज का जो लेक्चर है मैंने हिंदी नोट्स के ऊपर बनाया है, क्योंकि उसमें आपको आप समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। आपके व्हाट्सएप चैनल पर मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों नोट्स के लिंक आगे या उनकी पीडीएफ फाइल आप लोगों को अलग से भेज दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर के साथ। तो सबसे पहले बात करते हैं कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल होती क्या है। शियर स्ट्रेंथ सॉइल की मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को झेलने की क्षमता होती है। अब माइंड में क्वेश्चन आता है कि शियर स्ट्रेस आता कैसे है। तो जो भी एक्सटर्नल लोड है, चाहे वो किसी बिल्डिंग का स्ट्रक्चर का हो, या हमने इफेक्टिव स्ट्रेस में आने वाले टोटल स्ट्रेस की बात करूं, तो ये सारे लोड मिलके जो स्ट्रेस सॉइल पे डालते हैं उसको हम शियर स्ट्रेस बोलते हैं। अगर सॉइल कैपेबल है उस शियर स्ट्रेस को झेलने में, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारा स्ट्रक्चर को भी खराब नहीं होगा, उसके कारण सॉइल के ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी सॉइल की शियर स्ट्रेंथ आने वाले लोड से जो जनरेट होने वाले स्ट्रेस या प्रेशर है उससे कम है, तो ऐसी कंडीशन में आपकी सॉइल के फेल होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो यहाँ पर यही लिखा गया है, यह सॉइल की मैक्सिमम बियरिंग कैपेसिटी को भी रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी भी लोड द्वारा उत्पन्न शियर स्ट्रेस सॉइल के शियर स्ट्रेंथ से अधिक हो जाए, तो सॉइल में शियर फेलियर या सॉइल अपने स्थान से दखना या दरकना शुरू कर देती है, या सीधे शब्दों में कहें सॉइल फेल होना शुरू कर देती है। और शियर स्ट्रेंथ सॉइल की स्टेबिलिटी को भी दर्शाती है। अगर सॉइल अपनी शियर स्ट्रेंथ को प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पाया, तो उसके स्लोप्स और उसकी स्टेबिलिटी अफेक्ट होगी, ठीक है। और शियर स्ट्रेंथ सॉइल की बेरिंग कैपेसिटी अर्थ प्रेशर को मेंटेन करने तथा ढाल की सुरक्षा के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगा कि शियर स्ट्रेंथ पर पानी की उपलब्धता का भी बहुत फर्क पड़ता है। पानी की मात्रा कम ज़्यादा होने के कारण भी शियर स्ट्रेंथ सॉइल की अफेक्ट होती है। इसको हम आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो सॉइल को शियर स्ट्रेंथ मिलती कैसे है? देखिए, दो शब्द आ रहे हैं यहाँ पे बार बार, एक आ रहा है शियर स्ट्रेस, एक आ रहा है आपका शियर स्ट्रेंथ। शियर स्ट्रेस या इसको शियर प्रेशर भी कह सकते हो, ये एक्सटर्नल लोड के कारण जो आपका स्ट्रेस डेवलप हो रहा है उसको समझाया जा रहा है। और उसके अगेंस्ट में जो सॉइल रेजिस्टेंस ऑफर कर रही है, प्रतिरोध ऑफर कर रही है, उसे हम शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल कहते हैं। शियर स्ट्रेंथ ध्यान रखना। तो सॉइल में जो शियर स्ट्रेंथ है वो दो प्रकार से उत्पन्न होती है, नंबर वन फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ, नंबर टू इज कोहेजन स्ट्रेंथ। फ्रिक्शन जिसको घर्षण बोलते हैं, कोहेजन जिसको हिंदी में ससंजक प्रक्रिया बोलते हैं। जब दो वस्तुएं आपस में रगड़ खाती है, उस रगड़ के कारण जो फोर्स डेवलप होता है उसको घर्षण कहते हैं। दो सिमिलर मटेरियल आपस में जब एक दूसरे से चिपक जाए तो उसे हम कोहेजन कहते हैं। सॉइल की जो फ्रिक्शनल स्ट्रेंथ है या घर्षण स्ट्रेंथ है, वो सॉइल के बीच इंटरलॉकिंग के कारण डेवलप होती है। इंटरलॉकिंग क्या होता है? क्योंकि जो सॉइल के पार्टिकल्स बेसिकली ट्रायंगुलर नेचर के होते हैं, रेगुलर शेप के नहीं होते, तो आपस में एक दूसरे से भिड़के वो आपस में एक दूसरे के साथ फंस जाते हैं, और फंसने का मुख्य कारण उनके बीच में उत्पन्न होने वाला घर्षण होता है, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इस प्रकार की जो शियर स्ट्रेंथ मिलती है फ्रिक्शन वाली, ये ज़्यादातर सैंडी सॉइल, ग्रेवल्स या फिर कोहेजन लेस सॉइल में ही देखी जा सकती है, ठीक है ना। और इसी तरह से सॉइल की जो कोहेजिव स्ट्रेंथ है वो मुख्य रूप से क्लेई सॉइल में देखी जाती है, क्योंकि उनके पार्टिकल्स के बीच में फ्रिक्शन ना के बराबर होता है, और
सॉइल के पार्टिकल्स या यू कहूं यहाँ पे क्ले के पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर बॉन्ड होने के कारण वो एक दूसरे के साथ चिपकने चाहते हैं, और इस चिपकने की प्रक्रिया के कारण वो कोहेजन की प्रॉपर्टी को अराइज करते हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि क्ले को शेयर स्ट्रेंथ कोहेजन द्वारा प्राप्त होती है। सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ की स्टडी उसके फेलर होने की प्लेन तथा मात्रा को दर्शाती है, यानी सॉइल किस प्लेन के अलावा फेल होगा और किस अमाउंट पे फेल होगा ये आपको सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ से पता चलता है। और इसका पता चलने से सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हम ये पता लगा सकते हैं कि हमें सॉइल की नींव किस प्रकार की, किस गहराई पर और कहाँ पर देनी है ताकि हमारी सॉइल आगे फेल ना हो, ठीक है। और सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ को पता करके एक स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व ड्रॉ किया जाता है जिससे इसको थोड़ा समझने में आसानी होती है। तो मैं आपको पहले एक कर्व दिखा देता हूँ, आप लोगों की स्क्रीन पे कर्व दिख रहा है। यहाँ पे देखिए डिफरेंट टाइप ऑफ सॉइल है, एक्स वाई एक्सिस पे आपको दिख रहा है नॉर्मल स्ट्रेस, ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस जिसको हम वर्टिकल स्ट्रेस भी कहते हैं, ठीक है, ये ऊपर की तरफ लग रहा है और ये राइट हैंड साइड के अंदर स्ट्रेन लग रहा है स्ट्रेस के अगेंस्ट। तो अगर आपकी सॉइल ब्रिटल नेचर की है यानी जिसमें कोहेसिव सॉइल है लेकिन उसका मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा है तो उसमें एक शार्प ब्रिटल फेलियर होगा। अगर वर्क हार्डनिंग कॉम्पैक्ट क्ले और लूज सैंड का एक मिश्रण है जिसे मैं दो नंबर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो उसका ग्राफ पहले डिक्रीज होगा फिर बढ़ेगा। अगर आपकी डेंस सैंड और सेंसिटिव क्ले का एक मिश्रण है तो आपका फेलियर स्ट्रेस पहले पीक पे पहुंचेगा फिर रिड्यूस होना शुरू कर देगा। और अगर प्लास्टिक क्ले है उसकी शेयर स्ट्रेंथ या और यूं कह सकते हैं स्ट्रेन की मात्रा बाकी सब सॉइल की तुलना में अधिक रहेगी क्योंकि वो थोड़ा सा लोड लगाने पर ही प्लास्टिकली फेल्ड होना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी तरह शेयर स्ट्रेंथ को एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है नोट में लिखी है, जो शेयर स्ट्रेंथ होती है वो जो भी फेलर प्लेन है उसके समांतर या पैरेलल काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा चुका है कि एट विच प्लेन शेयर स्ट्रेंथ इज वर्क, तो आंसर है पैरेलल टू द फेलर प्लेन, फेलर प्लेन के समांतर। तो जो सबसे पहले शेयर स्ट्रेंथ की थ्योरी किसी साइंटिस्ट ने थी उनका नाम था कुलाम। तो कुलाम भाई साहब ने शेयर स्ट्रेंथ की एक सीधी इक्वेशन दी थी जो आपकी स्क्रीन पर दिख रही है रेड बॉक्स में, टो एफ, टो को यहाँ पे शेयर स्ट्रेंथ से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको एस से भी कई जगह रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इक्वल्स टू सी प्लस सिग्मा टेन फाई, ठीक है, सी प्लस सिग्मा टेन फाई नाम से इसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है। अब यहाँ पे सारी टर्म्स क्या है, यहाँ पे एस हो या टो एफ हो शेयर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल को रिप्रेजेंट कर रहा है और जिसको मैं एक नंबर से लिख रहा हूँ, और सी है वो डिग्री ऑफ कोहेजन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कोहेजन की यूनिट न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, किलो न्यूटन पर मीटर, एमएम मीटर स्क्वायर हो सकती है। नॉर्मल स्ट्रेस जो पिछले चैप्टर में हम वर्टिकल स्ट्रेस पढ़ के आए थे वही यहाँ पे एक तरीके से नॉर्मल स्ट्रेस भी इसको कह सकते हो। फाई ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन या फिर एंगल ऑफ रिपोज। देखो क्या होता है, जब सैंडी सॉइल के बेसिकली दो पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर घर्षण लगाते हैं, फ्रिक्शन लगाते हैं, तो जिस कोण पर वापस में फंसते हैं उस एंगल को हम एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन कहते हैं। सैंडी सॉइल में जितनी वैल्यू फाई की अधिक होगी उतनी ही ज्यादा सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ होगी। फिर से समझ लीजिए, फाई एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहलाता है, इंटरनल फ्रिक्शन, जो कि सॉइल के पार्टिकल्स के आपस में फंसने के कारण जो उनके बीच में कोण बनता है उसको हम फ्रिक्शन एंगल कह सकते हैं, ठीक है। और यही मैंने नोट में भी लिखा है, दो विभिन्न मटेरियल्स के भिड़ने पर, अलग अलग मटेरियल में भी हो सकता है, जरूरी नहीं है सॉइल में हो, अलग अलग जगह पर भी हो सकता है, ये ग्राफ हमने पढ़ लिया था। अब देखिए अगर सैंडी सॉइल है आपकी, सैंड है, तो फाई की वैल्यू ज्यादातर 30 डिग्री रहती है आपकी। इसका बहुत ज्यादा रोल हमारे जो अर्थ प्रेशर थ्योरीज आएगी उसमें हम इसको डिटेल में और अच्छे से समझेंगे।
और अगर आपकी क्ले है वो भी फुल्ली सैचुरेटेड यानी उसके वॉइड्स में पूरी तरह पानी भरा हुआ है या कीचड़ है, तो वहां पे फ्रिक्शन नहीं डेवलप हो पाएगा और फ्रिक्शन डेवलप नहीं होने के कारण वहां पर फाई की वैल्यू जीरो हो जाएगी। इसी तरह से आपकी सैंड लूज है, काफी ढीली नेचर की है, तो वहां पर फाई की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस तक रह सकती है। और डेंस सैंड हो, बहुत ज्यादा घनत्व वाली, हम कह सकते हैं कोई एक छोटे कठोर चट्टान को प्रदर्शित कर रही हो, तो वहां पर फाई का मान 48 डिग्री तक जा सकता है। ठीक है, तो ये वैल्यूज आपको ध्यान रखनी है। वैल्यूज क्या है, साधारण सैंड के लिए 30 डिग्री, इनको मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं। ठीक है, साधारण सैंड के लिए एक नंबर 30 डिग्री रहती है, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए दो नंबर, ढीली मिट्टी के लिए 25 डिग्री तक, हाईली डेंस या अधिक घनत्व वाली सॉइल के लिए 48 डिग्री तक जा सकती है। फाई का मान सदैव सैंड, ग्रेवल या ग्रेनुलर सॉइल के लिए सर्वाधिक रहता है। ठीक है, क्योंकि इनमें दानेदार पार्टिकल होने के कारण उसके पार्टिकल्स आपस में फंसेंगे तो उनके बीच में फ्रिक्शन होगा और उस फ्रिक्शन के कारण जो कोण बनेगा वो फ्रिक्शन एंगल कहलाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कोहेजन लॉ इस सॉइल में कोहेजन की, तो वो हमेशा शून्य रहेगा। क्यों? क्योंकि जो कोहेजन लेस पार्टिकल होते हैं या सैंडी नेचर होती है, उनके बीच में आपस में किसी भी प्रकार का फोर्स काम नहीं करता, वे आपस में नहीं चिपकते, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली और केमिकली इनर्ट होते हैं, निष्क्रिय होते हैं। उनमें आपस में किसी भी प्रकार की अभिक्रिया ना होने के कारण जो आपके सैंडी पार्टिकल्स हैं उनमें कोहेजन डेवलप नहीं होता। तो यहाँ पर सी की वैल्यू हमेशा जीरो रहेगी। तो अगर हम मोर कुलाम के इक्वेशन में इस्तेमाल करें इसको, सी को जीरो, तो आपका टो बराबर सिग्मा टेन फाई आता है, या हम यूं कह सकते हैं कि शियर स्ट्रेंथ ऑफ सॉइल टेंजेंट ऑफ फाई के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी जिस जिस बिंदु पर फ्रिक्शन एंगल बनेगा उन पॉइंट्स को मिलाकर एक टेंजेंट खींचा जाए तो उसके समानुपाती ये दर्शाती है। आगे हम मोर सर्किल पढ़ेंगे इसी चैप्टर में, उसके अंदर ये टेंजेंट वाला कंसेप्ट फिर से आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड क्ले है तो वहां पे फाई का मान जीरो हो जाएगा और टो बराबर सी रहेगा। और हम कह सकते हैं कि क्ले के लिए, फुल्ली सैचुरेटेड क्ले के लिए जो शेयर स्ट्रेंथ की वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कोहेजन होती है। ठीक है, और जो सॉइल के शेयर स्ट्रेंथ पैरामीटर्स हैं, सॉइल के जो शेयर स्ट्रेंथ के घटक है वो चार कारकों पर निर्भर करते हैं। नंबर वन, पास्ट हिस्ट्री ऑफ सॉइल, यानी आज जिस स्थिति में सॉइल मौजूद है उससे पहले भूतकाल में वो किस कंडीशन में थी, लूज थी, डेंस थी, या कंसोलिडेशन उसमें किस प्रकार का हुआ था, ठीक है ना, उस पर बेहद निर्भर करता है। नंबर टू, ड्रेनेज कंडीशन ऑफ सॉइल, ड्रेनेज यानी सॉइल में से पानी को ड्रेन होने की सुविधा को ड्रेनेज फैसिलिटी बोलते हैं। अगर अनड्रेन्ड कंडीशन है यानी उसमें से पानी निकल नहीं सकता और अधिक मात्रा में मौजूद है, तो दिखती सी बात है फाई घटेगा, पानी बढ़ने से फ्रिक्शन घटता है। और पानी क्योंकि एक ससंजक है, कोहेजी मटेरियल है, एडेसिव मटेरियल है, तो सॉइल की कोहेजन को बढ़ाएगा, तो सी आपका उसमें बढ़ेगा। ड्रेन कंडीशन है, पानी आसानी से निकल जा पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आपका फाई बढ़ेगा और सी की वैल्यू हमेशा घटेगी। सॉइल की तीसरा पॉइंट है सॉइल की सैचुरेशन कंडीशन, सॉइल में पानी की मात्रा की कंडीशन। अगर पार्शली सैचुरेटेड क्ले है तो फाई की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो होगी, जीरो नहीं होगी। यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सैंडी नेचर की सॉइल है तो उसमें सी हमेशा जीरो होगा, लेकिन क्ले नेचर की सॉइल है तो उसमें फाई हमेशा जीरो नहीं होगा। फाई सिर्फ उस कंडीशन में जीरो होगा जब वो फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में हो या फिर उसके वॉइड्स में पूरी तरह से पानी भर गए हों। फाई की कुछ मात्रा तब भी मौजूद रहेगी सॉइल के अंदर। इसी तरह फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन हो, आपको बताइए फाई जीरो हो जाएगा। टाइप ऑफ सॉइल पर निर्भर करता है चौथा पॉइंट, चौथा कारक, सैंड है तो सी जीरो रहेगा, फाई ग्रेटर देन जीरो रहेगी। क्ले अगर है तो सी की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो रहेगी, लेकिन फाई की वैल्यू जीरो या उससे अधिक भी हो सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ध्यान रखना है। तो यही नोट में मैंने आपको इन्हीं चीजों, कुछ इंपॉर्टेंट बातों को समझाने की कोशिश की है। क्ले का जो इंटरनल फ्रिक्शन एंगल है फाई,
सिर्फ फुल्ली सैचुरेटेड कंडीशन में ही जीरो होता है। यानी अभी जो मैं पहले कह रहा था, अगर पानी भरा होगा तो ही वो फुल्ली सैचुरेटेड होगा, तो ही फाई का मान जीरो होगा, अदरवाइज फाई की कुछ वैल्यू होगी, जीरो नहीं होगा। सेकंड पॉइंट बी, कोई भी सॉइल पूर्ण रूप से यह सैंड क्ले नहीं होती है। जो आपको बाहर नेचर में सैंड मिल रही है वो पूरी तरह से सैंड नहीं है, उसमें मिक्सचर है, सैंड का भी है, सिल्ट का भी है, क्ले का भी है, ऑर्गेनिक मैटर्स का भी है। हाँ, लेकिन जिसकी अमाउंट ज़्यादा है तो सॉइल का बिहेवियर ऑब्वियसली उसके जैसा ही होगा। जैसे हमारे बाहर जो मिट्टी मिलती है उसमें सैंड की प्रतिशत ज़्यादा है बाकी की तुलना में, तो हमारी सॉइल सैंडी नेचर को रिप्रेजेंट करेगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें क्ले का अमाउंट जीरो है, लेकिन बहुत कम। यही चीज़ मैं लिख रहा हूँ, जिसकी मात्रा अधिक होगी सॉइल उसी की तरह व्यवहार करेगी। पानी की अलग अलग मात्रा पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पर भी फर्क पड़ता है। पानी की अगर वैल्यू अलग 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 मात्रा पर सॉइल की शियर स्ट्रेंथ पर फर्क पड़ता है, क्योंकि पानी फ्रिक्शन को घटाता है और कोहेजन को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार की सॉइल के लिए हमें सी और फाई का मान ज्ञात करके टो का मान निकालना होता है, या शियर स्ट्रेंथ का मान निकालना होता है। तो ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे हम सॉइल के सी व फाई को, या कोहेजन और एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? तो कुछ टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं जिनको हम शियर टेस्ट कहते हैं। बेसिकली चार प्रकार के टेस्ट हैं। नंबर वन, डायरेक्ट शियर टेस्ट। डायरेक्ट शियर टेस्ट क्या होता है? एक टू डायमेंशनल टेस्ट होता है, क्योंकि इसमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों डायरेक्शन से लोड आता है सॉइल के ऊपर, और शियर फोर्स है वो हमेशा ऊपर से आता है। और ये मैं आपको इसकी एक फिगर दिखा देता हूँ, आपके सामने एक फिगर दिख रहा है, ये आपका एक डायरेक्ट शियर टेस्ट का एक लाइन डायग्राम बनाया गया है। अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये जो हिस्सा है दो हिस्सों में टूटा है, जो मैं लाइन खींच रहा हूँ वो शियर प्लेन कहलाता है। इसमें ये दोनों अलग अलग होते हैं, और पहला नंबर पॉइंट प्रूविंग रिंग जुड़ी रहती है ये ऊपरी हिस्से को, जिसको मैं एंगल से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको आगे की तरफ पुश करता है। ठीक है, और इसके बीच में सॉइल सैंपल भरा रहता है, और नीचे जो भी आपके पॉइंट्स हैं वहाँ पर रोलर्स लगे हुए रहते हैं, और शियर फोर्स लोड लगाएंगे तो अपोजिट डायरेक्शन से शियर फोर्स डेवलप होगा। ऊपर से नॉर्मल लोड आता है, तीन नंबर पॉइंट से मैं जिसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ऊपर और नीचे चार और पांच नंबर पे पोरस स्टोन लगे रहते हैं ताकि पानी आसानी से फ्लो हो सके। इन सब रीडिंग्स को कैलकुलेट करने के लिए डायल गेज लगा रहता है, जो लोड को और डिफॉर्मेशन दोनों को कंट्रोल करता है। अब इसमें करते क्या है, ऊपर से नीचे की तरफ लोड, इसके ऊपर नॉर्मल लोड डालते हैं, और यहाँ से एक मोटर लगी रहती है जो इसको आगे की तरफ धक्का देना शुरू करती है। धक्का देने के कारण सॉइल का जो प्लेन है वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर शियर फोर्स करना डेवलप करता है। तो जो आपकी ये प्रूविंग रिंग्स दिख रही है, जिनको एरो से रिप्रेजेंट किया गया है, मैं इन पर सबको हटा के आपको एक नंबर और दो नंबर पॉइंट से फिर से समझा देता हूँ। कि जो आपकी ये प्रूविंग रिंग दिख रही है, एक नंबर और दो नंबर, इनमें कुछ रीडिंग्स आना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, और ये रीडिंग्स एक बार बढ़ती हैं, और जैसे ही बैक करना शुरू करती है हम नॉर्मल लोड को फिर से बढ़ा देते हैं। इस तरीके से तब तक ये टेस्ट चलता रहता है जब तक कि आपका सॉइल सैंपल पूरी तरह शियर में फेल नहीं हो जाए, उसमें क्रैक नहीं आ जाए और वो दो हिस्सों में टूट नहीं जाए। ठीक है, इन सभी प्रक्रिया को समझने के लिए ऊपर कुछ छोटी छोटी चीजें लिख रखी है। शियर फोर्स ऊपर से लगाया जाता है, इसमें सॉइल शियर सैंपल दो भागों में बटे रहते हैं, मैंने आपको नीचे समझाया था। शियर स्ट्रेस तथा नॉर्मल स्ट्रेस को नापने के लिए डायल गेज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ड्रेनेज कंट्रोल नहीं हो पाता, ये इसका एक डिसएडवांटेज है, इसलिए ये टेस्ट हमेशा सैंडी और ग्रेवल सॉइल के लिए अच्छा है और क्ले सॉइल के लिए इतना अच्छा नहीं है। अच्छा, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है जिसको रेड ब्लॉक्स में लिखा है, यहाँ पर इफेक्टिव स्ट्रेस और टोटल स्ट्रेस की मात्रा सेम होती है। ठीक है, और इसमें स्पेसिमेन निर्धारित प्लेन में फेल होते हैं। ये क्विक सिंपल और कम खर्च वाला टेस्ट होता है, इसमें सैंपल प्रिपेयर करना बहुत आसान होता है और फेलर प्लेन में क्रैक्स अपेयर होने लग जाते हैं। तो ये आपका फिगर था, उसका वर्किंग प्रिंसिपल मैंने समझा दिया। अब टेस्ट करते कैसे हैं? सबसे पहले हम जो भी मिट्टी जिसकी शेयर स्ट्रेंथ लेनी है उसको लेते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में,
ज़्यादातर 300 से 400 ग्राम ले लेते हैं, और उसमें जो ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट जो हमने कॉम्पैक्शन में पढ़ा था उतनी मात्रा में पानी मिलाकर इसको एक पेस्ट बना लेते हैं। इसको स्पेसिमेन में रख के वर्टिकल स्ट्रेस लगाया जाता है, जो कि शेयर स्ट्रेस से बोल सकते हो, और जैसे जैसे वर्टिकल लोड बढ़ता है वैसे वैसे हॉरिजॉन्टल लोड भी हम एक दूसरी तरफ से बढ़ाते रहते हैं, और ये अलग अलग सैंपल्स के बीच में किया जा सकता है। तो जो वर्टिकल स्ट्रेस है सिग्मा और टो जो मिलता है रीडिंग के ऊपर, उसके बीच में ग्राफ प्लॉट किया जा सकता है जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। तो इसमें हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस वर्टिकल स्ट्रेस को एक्स एक्सिस से बनाएंगे। ये बहुत ध्यान रखने वाली बात है कि वर्टिकल स्ट्रेस आता तो ऊपर से नीचे, लेकिन उसको ग्राफ में हम एक्स एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। इसी तरह शेयर स्ट्रेंथ को वाई एक्सिस पर प्रदर्शित करते हैं। इन ग्राफ की जो अलग अलग सैंपल के अलग अलग टाइम पीरियड पे जो रीडिंग्स आती है उनको प्लॉट करते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन प्लॉट ज्ञात होती है। ये स्ट्रेट लाइन का जो एंगल हॉरिजॉन्टल से बनता है फाई, वो एंगल ऑफ इंटरनल फ्रिक्शन को प्रदर्शित करता है। इसी प्रकार से शून्य से वर्टिकल डायरेक्शन में जिस डिस्टेंस पर ये लाइन बनना शुरू करती है वो डिस्टेंस डायरेक्टली सी के अमाउंट को रिप्रेजेंट करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है स्टूडेंट्स, फिर से समझा देता हूं कि जब आपका लाइन शियर स्ट्रेंथ और वर्टिकल स्ट्रेस के बीच में ड्रॉ की जाए तो उस लाइन का हॉरिजॉन्टल से एंगल, जिसको मैं एक नंबर से प्रदर्शित कर रहा हूं, वो फाई को रिप्रेजेंट करेगा, यानी इंटरनल फ्रिक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। इसी प्रकार से जीरो से लेके वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो जिस पॉइंट तक ये लाइन शुरू होती है उस पॉइंट तक के डिस्टेंस से हमें डिग्री ऑफ कोहेजन की मात्रा सीधे सीधे तौर पर मिल जाएगी। अगर इसी तरह से ये पहला पॉइंट इसी को बता रहा है, ग्राफ की लाइन ऊपर दिखाई गई ग्राफ की तरह दिखाई दे तो वाई एक्सिस पर लाइन के शुरू होने का मान सी को दर्शाता है, वह लाइन के हॉरिजॉन्टल से बना कोण फाई को दर्शाता है। अभी लास्ट के दो पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सॉइल फुल्ली सैचुरेटेड क्ले हो तो सी का मान अधिकतम होगा और फाई का मान जीरो होगा, कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा। क्ले के लिए स्ट्रेट लाइन बनेगी, यहाँ पे सिर्फ सी होगा, फाई जीरो हो जाएगा क्योंकि हॉरिजॉन्टल से कोई एंगल बनेगा ही नहीं। अगर सॉइल फुल्ली सैंडी नेचर की हुई सी जीरो हुआ तो आपका ग्राफ ओरिजन यानी शुरुआती बिंदु से शुरू होगा, इस कंडीशन में सी की वैल्यू जीरो हो जाएगी और फाइव की वैल्यू फाइव मैक्स को रिप्रेजेंट करेगी। तो आज के लेक्चर में हम इस टेस्ट तक ही पढ़ेंगे। अगले लेक्चर में मैं आपको ये पूरा चैप्टर कंप्लीट करवा दूंगा, जिसके अंदर हम इसके बचे हुए टेस्ट, ट्राइएक्सियल टेस्ट, वेन शियर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेशन टेस्ट और मोर सर्किल के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस लेक्चर को कंटिन्यूसली देख रहे हैं, थोड़े से व्यूज़ कम आते हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो देखिए, बहुत मेहनत लग रही है इनको नोट्स को प्रिपेयर करने में। मीनवाइल मैं आगे के आपके अगले सब्जेक्ट्स के नोट्स भी बनाना प्रिपेयर करना शुरू कर चुका हूँ। अगला सब्जेक्ट पहले भी बताया था आप लोगों को, ऑटो कैड स्टार्ट करेंगे, नया सब्जेक्ट है मेरे लिए भी आपके लिए भी, लेकिन अगर इसको हम अभी कंप्लीट कर लेंगे तो बाद में समझने में हमें तकलीफ कम होगी, 4-5 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं। ठीक है, तो आप लेक्चर्स देखिए, अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू कीजिए। थैंक यू।